हाल में आई एक खबर के मुताबिक आगामी 28 अक्टूबर को फेसबुक एक एनुअल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में अपना नाम बदलने की घोषणा कर सकता है। बताया जा रहा है कि फेसबुक अपना फोकस मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर करना चाह रही है और इसीलिए अपना नाम बदलने की योजना बना रही है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग इस बात की चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि उनकी कंपनी सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनकर ही नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले समय में ये एक मेटावर्स कंपनी बनेगी। नमस्कार, धीरे टीवी की खास पेशकश न्यूज दिसार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी पांडे और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्या होता है मेटावर्स। नील स्टीफेंसन एक अमेरिकी लेखक है। साल 1992 में उनकी स्नो क्रैश नामक एक उपन्यास आई थी जो कि साइंस फिक्शन पर आधारित थी। इसी उपन्यास में उन्होंने पहली बार मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल किया था। इस उपन्यास में वर्चुअल वर्ल्ड में रियल लोगों के अवतार रहते हैं। उपन्यास में वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल करेंसी जैसे कई पैमानों पर बात की गई है। आसान भाषा में बताएं तो मेटावर्स एक तरह की आभासी दुनिया होगी। इस तकनीक से आप एक वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे, यानी एक ऐसी समानांतर दुनिया जहां आपकी अलग पहचान होगी। इस समानांतर दुनिया में आप घूमने और सामान खरीदने से लेकर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी मिल सकेंगे। ये ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी कई तकनीकों के कॉम्बिनेशन पर काम करता है। यह इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी सड़क किनारे टहल रहे हैं। एक दुकान पर आपने एक टीवी देखी और ये आपको पसंद आ गई। आपने डिजिटल करेंसी देकर उस टीवी को खरीद लिया। अब ये टीवी आपके बताए गए पते पर डिलीवर हो जाएगी, यानी आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पर यह डिलीवर कर दिया जाएगा। इस तरह आपको अनुभव तो वर्चुअल शॉपिंग का मिलेगा, लेकिन आपकी खरीदारी वास्तव में होगी। आप इंटरनेट पर जब किसी से बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप एक दूसरे के सामने ही बैठे हों, भले ही फिजिकली आप एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर हों। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फेसबुक अपना नाम क्यों बदलना चाह रही है। देखिए, गूगल को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इसके पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? इसके पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट और इसी के तहत इसकी तमाम दूसरी कंपनियां चल रही हैं। ठीक इसी तर्ज पर फेसबुक भी काम करना चाह रही है। आने वाले समय में एक पेरेंट कंपनी के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कंपनी के दूसरे प्लेटफॉर्म आएंगे। ये बदलाव मेटावर्स पर फोकस करने के लिए किया जा रहा है। फेसबुक के अलावा गूगल, एप्पल, स्नैपचैट और एपिक गेम्स नामक ये तमाम दूसरी बड़ी कंपनियां मेटावर्स पर कई सालों से काम कर रही हैं। ऐसा अनुमान है कि साल 2035 तक मेटावर्स 74.8 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन जाएगी। हालांकि मेटावर्स के आने के पहले ही इसको लेकर तमाम अलग अलग तरह की बहस चलने लगी है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है डिजिटल प्राइवेसी का। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन प्लेटफॉर्म पर मेटावर्स को बनाया जा रहा है, अगर उन पर प्रोप्राइटरी कंपनियों यानी जो कंपनियां मालिक हैं उनका ज्यादा नियंत्रण रहा तो वे हमारे जीवन, निजी डेटा और हमारी निजी बातचीत पर बहुत ज्यादा नियंत्रण करने लगेंगी। बहरहाल इसका असल फायदा नुकसान तो इसके शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये थी बात मेटावर्स तकनीक की और अब आपके लिए एक सवाल। आपको कमेंट करके बताना है कि जस्टिस बी एन श्री कृष्णा समिति का गठन किस लिए किया गया था। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।